हेलो हाय गाइस, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन बिरयानी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले गर्म पानी में सोयाबीन डाल दिया था। जब वो अच्छे से ठंडा हो गया तो मैं इसको पानी को अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। और ये मैंने 2 ग्लास बासमती चावल लिया है, तो उसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था। यहाँ पे मैं लाल टमाटर प्याज वगैरह सब मैंने ले लिया है। और ये मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है जिसमें हम चावल को पकाएंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और हम इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। तो हमने तेल इसलिए ऐड किया ताकि वो चावल हैं जो चिपके ना। और जब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब बॉयल होने लगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बासमती चावल भिगा कर रखे थे उसको। तो हम इसमें आराम से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे सारे को, और इसको अच्छे से हम चला देंगे। पानी को थोड़ा ज़्यादा रखें क्योंकि वो उबल लेगा तो ऊपर चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चावल नहीं बनाना, बस हमें उबालना है उसको। और इसे ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि ज़्यादा चलाएं तो वो चावल टूट जाएंगे। यहाँ पे मेरा चावल ऑलमोस्ट पक चुका है। 10 मिनट में हमारे चावल आराम से पक जाएंगे। तो हम इसे ऐसे जालीदार बर्तन में छान लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं कैसे पानी छान रही हूँ। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। एकदम चावल खिले खिले थे और अब वापस से एक बड़े से भगोने में हम डाल देंगे तेल। उसमें हम डालेंगे जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े गरम मसाला। फिर अब देख सकते हैं मैंने डाला है दालचीनी, अब बड़ी इलायची और थोड़ा सा रतन जोत। मैंने यहाँ पे डाल दिया कटे हुए प्याज। अब प्याज अच्छे से हमको प्याज को ब्राउन करना है। तो आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में चलाती रह रही हूँ कि हमारे प्याज जल ना जाए, क्योंकि हमारे प्याज बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ये आप देखो। और सॉरी मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी, बट आप लोग डाल देना। तो हम वेट करेंगे जब तक हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता। अब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो हम ऐड कर देंगे सोयाबीन और कटे हुए आलू। तो मैंने आलू को बड़े बड़े पीसेस में काटा, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च। और हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर जो हमने 2 काट कर रखा हुआ था वो, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसी में डाल दिया। उनको अच्छे से चला देंगे और इसे ढक कर के पकने देंगे जब तक कि हमारे आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसमें मैंने अच्छे से, अब बीच बीच में आप चलाते रहिएगा क्योंकि ये इसको जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं बीच बीच चलाती रह रही हूँ। और जब हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। तो मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि पहले भी हमने चावल में भी ऐड किया हुआ, तो हम थोड़ा ही ऐड करेंगे। और ये है बिरयानी मसाला और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी था, तो मैंने दोनों को अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। और आपको बाज़ार में इजली बिरयानी मसाला मिल जाएगा, या तो चाहे आप होममेड भी बना सकते हैं। और आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा थिक ग्रेवी जैसा तैयार हो जाए हमारी सोयाबीन और आलू की तरी, जिसमें हम आगे चावल डालेंगे। तो हम इसको थोड़ी देर ढक के और पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। तो हम अगला इसमें हम ऐड कर देंगे चावल।
देख सकते हो आप, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। और इसमें पड़ते जैसे लगाने होते तो पहला वाला हम चला देंगे उसी में, आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। और दूसरा वाला मैंने उसके लेयर उसके ऊपर लगा दिया। और इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा नींबू, निचोड़ कर मैं डाल दूँगी। और इसमें अच्छे से दम लगाने के लिए ढक देंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये रेडी है, ये मात्र 20 मिनट में रेडी हो जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी, मतलब प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।